taken off now. Respected sir, warm regards to you and your family. A multitude of thoughts are brimming my mind in expressing my feelings. I have just completed 1 year as the administrator of Bhatkal Taluk Hospital. It is a well-known fact that Bhatkal Navayat community has put Bhatkal on the map of global arena. Their contribution towards enriching local culture, education, philanthropy, business acumen and secular credentials are truly unmatched and unparalleled. I personally, being a citizen of Bhatkal, derive immense pleasure in that. No doubt, you have been the mascot and icon of this journey. Your contribution towards philanthropy to the society beyond social engineering has been legendary, and I personally salute you for it, yeoman service, sir. From a modest healthcare center for years, Taluk Hospital Bhatkal has transformed into a busy hub for medical services. The hospital inpatient facility is running full with ICU facility, blood storage and 12 consultants. Last but not the least, I thank your magnanimity and unstinted support on the behalf of all doctors and staff of Government Hospital Bhatkal. I take this opportunity to affirm my commitment to uplift the hospital services in future too. Your continued patronage and suggestions are vital in this regard. Thank you, sir. Thank you. काफ़ी अरसे से भटकल वालों के लिए हेल्थ केयर का बड़ा मसला चल रहा है, और हम काफ़ी कोशिश करते रहे, मीटिंग में हमेशा बात होती रही, लेकिन उसमें अभी तक हमको कामयाबी नहीं मिली। अबू बकर मौलाना तकरीबन 70-80 साल पहले की जो उनका विजन था, वो हमारा कॉटेज हॉस्पिटल आज डॉक्टर सबिता के ज़ेर निगरानी, माशाल्लाह मैं समझता हूँ सारे कोस्टल बेल्ट कर्नाटक में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज़ विद ऑल द स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन ऑल द फैकल्टीज़। तो ये हमारे खुशनसीबी है, और हम NRI चाहते हैं कि डॉक्टर सबिता को जिस तरह से वो काम कर रही है मैक्सिमम अपनी तरफ से सपोर्ट करें, और जो अपने लोगों का एक माइंडसेट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ गरीबों के लिए है, वो हमने निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी भी अपने बहन भाई कोई बीमार हो उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, अच्छे एटमॉस्फेयर में, गुड एम्बियंस हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो जब लास्ट टाइम हमने जाके देखा वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की जो एमिनिटीज़, हमें बड़ी खुशी हुई, और इत्तेफ़ाक़ से हमें अपनी खुद वालिदा को ले जाके वहाँ पे दिखाने का मौका मिला। वहाँ का जो रश था, हमने चाहा कि इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, तो यही मौका था, यही था कि हमने राबिता की तरफ से उनको वहाँ की जितनी भी छोटी मोटी सहूलत ज़रूरत थी उसको पूरा करने का हमने ये फैसला किया। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर से यही बता रहा था कि ये शुरुआत है, इंशाल्लाह जब जुलाई अगस्त में ज़्यादातर NRIs यहाँ पर आते हैं, हम एक डेलीगेशन ले जाके आज जो नमूना है हमारे हॉस्पिटल का उनको दिखाएंगे, और मज़ीद हमारे जो डॉक्टर्स बाहर हैं इनको कैसा अपग्रेड करना है और किस तरह से फैसिलिटीज़ अपने भटकलों को, भटकल वासियों को देना है, हम ये चाहते हैं कि इंशाल्लाह उन लोगों के आने के बाद और भी ज़्यादा इनको अपग्रेड करें, इनको फैसिलिटीज़ दें, और एक बेहतरीन हॉस्पिटल हमारे सारे कॉस्टल में हो, जहाँ पे एक छोटे से लेके बड़े मरीजों को भी कंप्लीट वहाँ पे मुआयना हो, अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे द बेस्ट ऑपरेशन फैसिलिटीज़ हो, यही हमारा विजन है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह जिस तरह से वहाँ की टीम काम कर रही है, अगर हमारा सपोर्ट हो हम ये अचीव कर पाएंगे।